नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाई फाई टीचाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाई फाई टीचाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। और यहां पर हम बात करते हैं आज कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी को लेकर। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी को देखिए, आप बीए फाइनल, इनके लास्ट ईयर के बीकॉम बीसीए सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपके एग्जाम हो रहे हैं। जो डेटा शीट रिवाइज होती रहती है वो हम आपको बताते रहते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो अभी के अभी। और यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम में यूनिट सिस्टम को लेकर। देखिए एमए वालों को भी सवाल चला हुआ है, एमए वालों में क्या होगा, चाहे एमए में हो चाहे यूजी पीजी, जो भी आप जहाँ पर यूनिट सिस्टम आपका आ रहा है, सभी के लिए बोला गया है कि आप यूनिट की बजाय टोटल में से जो 5% करने होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आप उस यूनिट को छोड़कर वैसे कर सकते हो, यानी जो आपके 5 आते हो। और हिंदी और इंग्लिश में आपको पता है यूनिट नहीं होती है, ठीक है प्रिया साथियों। तो यहाँ आपकी अच्छी समझ में बात ये आ रही होगी, एग्जामिनर भी आपको बताएगा। और आपके एग्जाम में एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड, ये चीज़ें आपने लेके जानी, अपने पेन जो भी है, और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, पेपर में लिख के आना है कुछ ना कुछ, तभी जाकर आप पास हो पाओगे। लिखना जरूर है, जो याद हो वही लिख दो, भले एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। अच्छे से आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। पहले जो पर्सन बताया मैंने कि काले पेन से लिखो, नीचे ब्लू पेन से आपने उत्तर लिखना है। और जो टाइटल हेड टाइटल बनाने आपको अलग से, जो हेडिंग और टाइटल जो भी होगा अच्छे से बनाने हैं। और बीए फाइनल का हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया था कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो वीडियो आपको हमारा यूट्यूब पे जाना है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे केयूके के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड और एक आपका आईडी प्रूफ, ये चीज़ें अपने एग्जाम में लेके जानी है। और बात आती है कि फ़ोन क्या हम ले जा सकते हैं। फ़ोन का देखिए वहाँ पर सेंटर पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रखोगे, रखने का स्थान है या नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रिय साथियों, अगर कोई मेरा छात्र है हिसार एग्जाम सेंटर है, किसी कोई परेशानी हो रही है कुछ, या कभी वार्स वेयर हो जाती, तो आप हमें कमेंट में या टेलीग्राम में मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइम हिसार में ही हूँ, आपको कुछ असुविधा नहीं होगी, आपको सब सुविधा हो सकेगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ पूछना हो कॉलेज के बारे में या रहने के बारे में, बता देंगे आपको। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर बात करते हैं जो वी सेकेंड फर्स्ट है, कंपार्टमेंट हो चाहे एनुअल हो, प्राइवेट हमारे प्राइवेट डिस्टेंस या एक्सटूडेंट हैं, क्या उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। देखिए अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, आपके एग्जाम डेट बहुत दूर है, लेकिन डेट शीट आपकी घोषित कर दी गई है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट की बात कही थी मैंने, वो चाहे बीए में हो, चाहे सेकेंड में, चाहे फाइनल में, जो भी फर्स्ट एंड फाइनल, अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया है, तो आप अब एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रैक्टिकल होता है वो बनाना होता है, कम से कम जो भी है 20-25 पेज का जो बनाना है। और आपको ₹50 फीस, जिस कॉलेज में आपका सेंटर आया है और एग्जाम हो रहा है उस कॉलेज में आपको ₹50 फीस जमा देनी है। वो आपको ये रसीद देंगे, रसीद लेना बिल्कुल मत भूलना। और ये उसमें होना चाहिए कि आपने एनवायरमेंट की प्रैक्टिकल दी है, यानी कि जो भी आप प्रैक्टिकल जमा करा रहे हो, आपके पास जो रसीद है उसके ऊपर आप एनवायरमेंट की हो तो एनवायरमेंट लिखाइए, फिजिकल हो तो फिजिकल लिखाइए। कहीं आप दूसरी प्रैक्टिकल में जमा करवा दोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। जब थ्योरी का पेपर भी आपको वही लेंगे जो एनवायरमेंट का है। अगर जिन्होंने पहले पास कर लिया उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक बात आती है अब यहाँ पर कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दे दिया प्रैक्टिकल और थ्योरी का, ठीक है पहले, लेकिन आप थ्योरी तो आपने दे दी लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम का आपको पता नहीं चल पाया और प्रैक्टिकल में आपकी आ गई एब्सेंट, ठीक है, डीएमसी एब्सेंट आ गया है। उसके लिए आपको बता दो, आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना होगा, जो फीस आपको पता है ₹2000 लगेगी। अगर जिन्होंने पहले थ्योरी का पेपर दे रखा है, आपकी डीएमसी पे आ गया चढ़ के, तो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे, आप उनसे राय ले सकते हो कि क्या वो ओनली प्रैक्टिकल से काम चला सकते हैं या दोनों पेपर उसमें देने होंगे या आपको री का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ये चक्कर फंसा रहता है बहुत बार, ठीक है प्रिया साथियों। एनवायरमेंट का ये मसला है और सभी आपको उसी कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ रहे, जहाँ पे आपका एग्जाम हो रहे हैं, वहीं पे आपका एनवायरमेंट का पेपर होना है, चाहे प्रैक्टिकल का हो चाहे थ्योरी का हो। तो प्रिया साथियों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अच्छे से पढ़ाई करना मन लगाकर, नकल से दूर रहना है, क्योंकि अगर आपका यूएमसी बन गया तो आपका साल ख़राब हो जाएगा, 2-3 साल आपके ख़राब हो जाते हैं यूएमसी बनने के।
तो यूएमसी बनने के बाद आपके साल खराब हो जाते हैं। तो प्रिय साथी, चीजों का आपने ध्यान करना है, कभी भी नकल को लेकर नहीं जाना है। अगर आपसे पर्सन याद नहीं हो पा रहे, टाइम कम है, तो एक लेसन से एक पर्सन ऐसा उठाइए जिसमें सभी बातें लिखी गई हो, या कोई नोट्स बना लीजिए जिसमें थोड़ा थोड़ा लिख दो भाई, सभी बातें वहां पर घुमा फिरा के आप बता दो एक ही पर्सन में, ठीक है। तो लिखना जरूर है, पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, पास तभी हो गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यहाँ फेल कर देगी आपको भैया, फेल, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होते जब भी हम आपको अच्छी अच्छी ट्रिक देते थे, और यहाँ भी हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। पर्सन लिखना, जो सबसे पहले आपको आता है वो पर्सन लिखो, उसके बाद उससे जो कम आता है वो लिखो, ऐसे लिखना है। ये मत सोच रहा कभी कि हम सीधे लिखना शुरू कर दें, हमें पहला आता नहीं है लास्ट वाला आता, लेकिन हम सीरीज वाइज लिखेंगे ताकि एग्जामिनर देखे खुश होगा कि स्टूडेंट ने सीरीज वाइज लिख रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वहाँ पे वो क्या होता है, जब एग्जामिनर टेस्ट देखता है, वो देखता है इन्होंने अच्छा लिखा है, सुंदर लिखा है, टाइटल बनाए हैं, डायग्राम बनाए हैं, वो पहला प्रश्न पढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा उसको पर्सन, वो सोचेगा इसके चलो इसको 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं दे देता हूँ 12 नंबर दे देता हूँ, अगर अच्छा लिख रखा है तो 15 भी देगा, नहीं तो 14 भी देगा, 13 भी देगा, उसके हिसाब से सोचेगा बंदे ने अच्छा ही लिखा हुआ यार, इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है पेपर को, फॉर्मेट अच्छा बना रखा है, तो क्या करेगा ऊपर 13 नंबर दे दिए, नीचे 12 दे दिए, 10 दे दिए, ऐसे वो देता रहेगा, जो अनुपात है वो घटाता रहेगा, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, पहले पर्सन की दो तीन लाइनें पढ़ते हैं उत्तर की, हाँ अच्छा लिख रखा है वो, ठीक कर दिया, दूसरे पर्सन पे जाएंगे वहां भी पहली दो लाइन पढ़ेंगे और ठीक कर दिया। तो इसलिए आप जो पर्सन स्टार्ट कर उत्तर स्टार्ट करते हो, उस उत्तर के अंदर आपको पहली जो लाइनें होती है वो भी आपने अच्छे से लिखनी है ताकि वो सही हो, ठीक है। इन चीजों को ध्यान करना है, यानी कि दिखावा दिखावा करना, आजकल के एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक स्लोप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जब ऐसे पहले पढ़ते, पहले क्या बार बार टीचर पढ़ा करते थे, वो फेल कर देते थे, लेकिन आज का जमाना बदल चुका है, किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छा लिखोगे, साफ लिखोगे, तो आपके पास होने के चांस है, भले आपको कुछ नहीं आता हो, अगर आप कांट आपको आता भी आप कांटे पीटे मारोगे तो फिर आपको तो भाई फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कुछ और पूछना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में आप हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।